आज मैं चूड़ा की रेसिपी बना रही हूँ। होली स्पेशल चूड़ा है ये, मैंने इसे होली स्पेशल के लिए बनाया है। इसमें मैंने बहुत सारी हेल्दी चीज़ें ऐड की हूँ, इसे मैं आगे बताते जाऊँगी कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। इसे मैंने पेपर पोहा से बनाया है, जिसे लोग पेपर पोहा भी बोलते हैं, बारीक पोहा भी बोलते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन लिया है, पैन गर्म होते ही मैंने एक कटोरी मखाना ऐड किया है। मखाना को एकदम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे मैं फ्राई करूँगी, जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए तब तक इसे फ्राई करना है। तेल या घी कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, बिल्कुल सूखी कढ़ाई पे मैंने इसे लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई किया है। ये हो चुका है, मैं इसे शिफ्ट कर दूँगी ताकि थोड़ा ठंडा हो जाइए। अब फिर से पैन में गरम करेंगे और मैंने इसमें बारीक पोहा लिए, इसे मैं लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाता है ये पोहा, इसलिए इसे कई लोग चूड़ा भी बोलते हैं इसे। बस मैं लो फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मैं रोहिणी, ये मेरा चैनल है, मैं इसमें अपने चैनल में मुझे जो भी नॉलेज है कुकिंग आर्ट पेंटिंग की, मैं वो सब आप लोग से शेयर करने की कोशिश करती हूँ। चलिए पोहा फ्राई हो चुका है लगभग, और थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी और मैं इसे चेक करते जाऊँगी कि ये अच्छे से फ्राई हुआ कि नहीं। आप इसे अच्छे से चेक करते हुए फ्राई करिए, हाथों से थोड़ा सा क्रश करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये फ्राई हो चुका है। इसे एकदम लो फ्लेम पे इसे ऐसे फ्राई करना ताकि ये अच्छा सिकुड़े भी ना। फ्लेम अगर आप लोग तेज़ रखेंगे तो ये पोहा सिकुड़ सकता है। देखिए मैं बार बार चेक कर रही हूँ कि ये हुआ कि नहीं। हाँ बिल्कुल, अब फ्राई हो चुका है। थोड़ी देर और मैं फिर से फ्राई करके गैस को ऑफ़ कर दूँगी। बस इसे मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दे रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से शिफ्ट करना है इसे। ध्यान रखें कि टूटे ना। बस देखिए वैसे का वैसे ही है पोहा, बिल्कुल सिकुड़ा भी नहीं है फ्राई करते समय। अब मैंने फिर से पैन लिया है, उसमें मैंने एक कप के करीब इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। बस जब तक ऑयल गर्म हो तब तक हम लोग वो पोहा को दूसरे एक मैंने परात में शिफ्ट कर दिया है। थोड़ा सा लाल हो गया पोहा, कुछ नहीं होता, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब मैंने ये मक्का पोहा लिया है, एक कप मैंने मक्का पोहा लिया है, इसे भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मक्का पोहा को थोड़ा सा फ्लेम तेज करके फ्राई करना है। लो फ्लेम पे अगर फ्राई करेंगे तो ये एकदम सिकुड़ा सा फ्राई होगा ही नहीं। थोड़ा तेज आंच में और तेल अच्छे से गर्म हो तब मक्का पोहा को फ्राई करके निकालना है। मैंने इसे दो बार में फ्राई किया है। इसे मैं शिफ्ट कर दूंगी वही पोहा में, इसे ऊपर से सबको शिफ्ट कर देना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है पोहा सोख सके। अब मैंने मूंगफली लिया है, एक कटोरी मूंगफली लिया है मैंने, उसे भी अच्छा सा फ्राई कर लेंगे सुनहरा होने तक अच्छे से। इसे भी निकाल के पोहा वाले परात में इसे भी डाल देंगे। अब मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया है, बादाम काजू और किशमिश, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसमें और भी अगर कुछ आप लोग को ऐड करना है वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसे मैं अच्छा सा भून लूँगी, मैं क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग। मैंने तीनों मिला के एक कटोरी के करीब मैंने इसमें ऐड किया है, इसे भी पोहा में शिफ्ट कर देंगे। और ये मैंने चना लिया है, जो चना बोलते हैं उसे चना दाल नहीं है, ये जो फ्राई चना एक आता है वो चना है, उसे भी मैंने एक कटोरी लिया है। इसे लो फ्लेम पे से मैं फ्राई कर रही हूँ, बहुत देर नहीं करना है इसे, बस थोड़ा देर उसे फ्राई करके, क्योंकि ऐसे ही फ्राई वाला है, इसे मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी।
अब मैंने तेल कम कर लिया है, बिल्कुल 2 टेबलस्पून के करीब मैंने तेल लिया है। अब मैंने सौंफ ऐड किया, 1 टेबलस्पून सौंफ है, हरी मिर्च, करी पत्ता और मैंने ये लहसुन की कलियाँ ली हैं बिना छिले, इसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर दिया है, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इससे। अब मैंने मखाना को फिर से तेल में ऐड किया है, अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे तेल में और थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी ऐड किया है और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, बस इसे भून लेंगे। देखिए तेल की क्वांटिटी मैंने बहुत कम रखा है, कम तेल में ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अब जो हम लोगों ने परात में निकाला था फ्राई करके, सब इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे हल्के हाथों से चलाना है ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसी प्रोसेस से बना के देखिए, बहुत ही अच्छा बनेगा कम ऑयल में और बहुत हेल्दी सा ये पोहा है, पोहा चूड़ा की रेसिपी। मैंने इसमें नमक ऐड किया है और थोड़ा सा शक्कर, और मैंने इसमें सांभर मसाला ऐड किया ऊपर से और थोड़ा सा चाट मसाला। इसे लो फ्लेम पे हल्के हल्के हाथों से इसे सभी तरफ से अच्छा सा मिक्स करेंगे। खाने में भी टेस्टी है, हेल्दी चीज़ें भी इसमें ऐड किया है, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आने वाली चीज़ है ये। आप इसे ऐसे बना के एयरटाइट डब्बे में रख लीजिए, आराम से जब चाहे तब आप लोग थोड़ा थोड़ा लेके इसे इंजॉय कर सकते हैं। क्वांटिटी और मेथड आप इसी हिसाब से बनाइए, बहुत ही करारी और बहुत ही टेस्टी। देखिए ये एकदम बिल्कुल हो चुका है, देखिए मैं आपको क्रश करके दिखा सकती हूँ कि कितना क्रिस्पी सा ये बना है। ये बन चुका है, मैं इसे फ्लेम को बंद कर दी हूँ ताकि पैन भी गर्म है उससे और थोड़ा सा अच्छा सा ये गर्म हो जाए। बस मैंने इसे ठंडा होने के बाद इसे मैं शिफ्ट कर दे रही हूँ दूसरे बर्तन में। आप इसके बाद इसे एयरटाइट डब्बे में बंद करके आप इसे रख दीजिए, आप और अच्छा से इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अगर आप लोग अच्छी लगी तो ज़रूर एक बार ट्राई करिए इसी मेथड से। बस एक करारा सा स्वादिष्ट चूड़ा पोहा बन चुका है। देखिए सभी तरफ से मैं दिखाती हूँ कि सभी तरफ से ये बहुत कुरकुरी सा और बहुत ही अच्छे से ये बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।